हरियाणा कांग्रेस कल प्रदर्शन करने वाली है। सोनिया गांधी से ईडी की तरफ से बुलाए जाने से नाराज है हरियाणा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया जाएगा, तो उनकी अगुवाई में दरअसल प्रदर्शन किया जाएगा। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो कल ये प्रदर्शन होने वाला है। ईडी चूंकि निरंतर पूछताछ कर रही है और विपक्ष बार बार आरोपी लगाता है कि ईडी का या जांच एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसे में सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस में एक आक्रोश है और इसी आक्रोश का ही प्रदर्शन किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस कल प्रदर्शन करने वाली है। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी फोनलाइन पर हैं। जितेंद्र, कल ये प्रदर्शन किया जाएगा क्या पूरे प्रदेश में या फिर चंडीगढ़ में प्रदर्शन होने वाला है? हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उसमें अगर हम कल की बात करें तो कल सोनिया गांधी को ईडी ने साथ के लिए बुलाया है और इसी के विरोध में कांग्रेस का ये पूरा प्रदर्शन है। कल अगर हम बात करें जो चंडीगढ़ से लगते हुए हल्के हैं, जिले हैं, उन सभी को चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से बुलाया गया है और यहाँ वो ईडी कार्यालय के घेराव को लेकर के पूरी तैयारी, कांग्रेस का जो कार्यालय है सेक्टर 9 चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ से एक मार्च के जरिए पूरी तैयारी की जाएगी घेराव को लेकर के और यही कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। ठीक इसी प्रकार से जो दिल्ली से लगते जो जिले हैं, जो इलाके हैं, उन तमाम कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया है कि वे सभी दिल्ली में जाकर के इसी प्रकार से जो प्रदर्शन है ईडी कार्यालय के घेराव को लेकर के उसका काम करें। तो सीधे तौर पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के ईडी द्वारा किए जा रही पूछताछ को लेकर के अपना पूरा विरोध जो है वो इस प्रकार से जताते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी ये कॉल हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं को। जितेंद्र, यानी चंडीगढ़ और दिल्ली में प्रदर्शन होगा, आसपास के जिलों के लोग भी इनमें शामिल होंगे कांग्रेस के, अब पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर या फिर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करेगी हरियाणा कांग्रेस? लेकिन घेराव को लेकर के पूरा जो कार्यक्रम है वो अब बनाया गया है। जिस तरीके की जानकारी मीडिया के साथ साझा की गई है उसके मुताबिक जो तमाम कार्यकर्ता है, क्योंकि जिलों के जो कार्यकर्ता है एक ओर दिल्ली बुलाए गए हैं, दूसरी ओर चंडीगढ़ बुलाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में एक जो ईडी कार्यालय है उसके घेराव की पूरी रणनीति है, वहीं पर यह घेराव चाहे दिल्ली हो चाहे चंडीगढ़, ईडी कार्यालय का कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ कुल मिलाकर ईडी कार्यालयों का घेराव करने का ये प्रदर्शन के या विरोध जताने का ये कार्यक्रम रहेगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी आपने दी। तो हरियाणा कांग्रेस दरअसल दिल्ली और चंडीगढ़ में ईडी दफ्तर का घेराव कल करने वाली है। चंडीगढ़ के आसपास लगते जो हरियाणा के जिले हैं वहां से कांग्रेस नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचेंगे चंडीगढ़। दिल्ली के आसपास लगते जो हरियाणा के जिले हैं दिल्ली पहुंचेंगे और ईडी दफ्तर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।